नरसिंहपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत जिले के आयुष चिकित्सा विभाग द्वारा 15 हेल्थ एंड विमेंस केंद्र के वृद्धजन स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में काफी संख्या में ग्रामीण वृद्ध उपचार हेतु पहुंचे। बता दें कि चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य शारीरिक बीमारियों का उपचार करने के लिए कई ग्रामीण पहुंचे, साथ ही उन्हें निशुल्क आयुर्वेदिक दवाई भी दी गई। इसके तहत ही आयुष विभाग द्वारा इसी स्वास्थ्य शिविर में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, ताकि उनका नियमित उपयोग कर ग्रामीण स्वस्थ जीवन, निरोगी काया के साथ जीवन यापन कर सके। आयुर्वेदिक का सबको अच्छे से दवाई मिल रही है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर पर्ची बनती है, पर्ची बना के हाथ नाली भी देखते हैं, सारी बीमारी पूछते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे से दवाई दे रहा है। जो बहुत अच्छा कार्य किया है सरकार ने, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। जी, आयुष ग्राम कठौतिया में आज वृद्धजन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर जो 60 के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है तथा दवा का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी योग के बारे में भी उनकी जानकारी दी जा रही है। जो अति वृद्ध हैं, योग नहीं कर सकते, उन्हें प्राणायाम तथा आप यहाँ देख सकते हैं आहारम परम औषधम के तहत कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है कि मेडिसिन की जगह आप अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद की कुछ काढ़े और औषधियों का इस्तेमाल प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सूक्ष्म बीमारियों और बड़ी जैसे शुगर, बीपी, इनमें आपको लाभ हो सकता है। तथा आयुष्योर ऐप, जो गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्योर ऐप है, वो भी डाउनलोड किया जा रहा है। रोगियों की बीपी, शुगर की जांच की जा रही है और निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है।